इट्स अ ट्रू स्टोरी. आई वेंट एंड गिव अ मैंने इंटरव्यू दिया था सिटी बैंक में. सच्ची में वरुण, तुमको कब जहन में आया, जब पापा इतने बड़े डायरेक्टर हैं डेविड साहब, हैं बचपन से तुमने उनको डायरेक्ट करते हुए देखा है, तो तुम्हारे जहन में ये क्यों आया कि मैं एक्टर बनूं, और कब आया? मैं रूमी जी को, मतलब वो कह रहे थे कि मैं इनके गोद में खेला हूँ. मैं इनके गोद में भी बहुत खेला हूँ बचपन में, शायद गोद में पेशाब भी की होगी मैंने. पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी जब भी मुझे देखते हैं तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में मैं अभी भी 8 साल का हूँ. इनको अभी भी ये लगता है कि वो 8 साल का वरुण है. आई थॉट, बट मुझे पहली बार तब पता चला था कि ये बहुत बड़े डायरेक्टर है. मैं इसकी कहानी बताता हूँ. मैं वी वुड लिव इन दिस बिल्डिंग कॉल्ड सागर दर्शन एंड बैंड्रा, और हम लोग खेल रहे थे, टंकी पे खेल रहे थे, टेरेस के टंकी पे खेल रहे थे. एंड खेलते खेलते यू नो द वॉचमैन केम अप एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग कम डाउन कम डाउन. एंड मुझे बोला कि नीचे आ नीचे आ. ही इज लाइक, अरे तेरे पापा मुझे बहुत मतलब डांटेंगे, बहुत बड़े डायरेक्टर हुए आज. तो द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज कि माय डैड इज अ बिग डायरेक्टर इज बिकॉज ऑफ द वॉचमैन. जब तो जेन्यूनली, क्योंकि कोई दोस्त आके तो बोलेगा नहीं यार यार तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर हो गया. पर जब वॉचमैन ने बोला तेरा बाप बहुत बड़ा डायरेक्टर है, सडनली आई फील, अरे यार वॉचमैन को भी पता है. सो दैट्स द फर्स्ट डे आई रियलाइज दिस. सेकेंड थिंग आई वॉन्ट जस्ट गेट ऑफ माई चेस्ट दैट आई एम वेयरिंग दीज स्पेक्स इज बिकॉज आई हैव वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म मेकर्स इन द ऑडियंस, श्रीराम राघवन, अ मैन हू चेंज्ड माई लाइफ. एंड देयर इज अ कैरेक्टर दैट आई एम काइंड ऑफ researching or trying to find in my mind, a little menacing character. So I've worn this to see if I can main thodi si matlab I can inspire Sri Ram to write something for me with this look in mind of I think negative hi likhoge aap. so let's see if that happens. I'm going to take it out for now. But main hero to mujhe mere ko initially ek I wanted to own a channel. इनिशली मुझे एक आई वॉन्टेड टू ओन अ चैनल एज अ किड, एंड आई वॉन्टेड टू हैव माई ओन टॉक शो जहाँ मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ, मैं एंटरटेनमेंट करता हूँ. आई वॉज ऑब्सेस्ड बाय जिम कैरी, रॉबिन विलियम्स, एडी मर्फी, गोविंदा, महमूद साहब. मुझे ये लोग, जितने भी लोग जो इम्प्रूव करते थे या ऑन द स्पॉट कॉमेडी कर सकते थे, आई वॉज ऑब्सेस्ड विद देम एज अ किड. आई वुड थिंक यार इनमें बहुत टैलेंट है, इनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है. और ये लोग जो मैं स्क्रीन पर देखता था, मुझे वो आम जिंदगी में भी दिखते थे. हर ग्रुप में अगर देर आर एट पीपल इन एवरी ग्रुप, एक लड़का या एक लड़की ऐसी होगी जो मतलब ग्रुप का जान या जान होता है, वो इम्प्रूव करता है, कॉमेडी करती है, वो मजाक करते हैं ऑलवेज. एक ग्रुप में हमेशा दैट वन जोकर इज देयर, दैट वन कॉमेडियन इज देयर. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी दैट पर्सन, यू नो. सो दैट्स बीन माई लाइफ लॉन्ग थिंग कि अगर मैं ग्रुप में 8 लोग हैं, मैं वो ग्रुप की जान बनूँ. तो मुझे वो बनना था. ग्रुप की ने आज पूरे हिंदुस्तान की जान बन गई. अच्छा डेविड साहब, जब वरुण ने आपके सामने ये ख्वाहिश जाहिर की कि अब मुझे एक्टिंग में जाना है, हीरो बनना है, तो आपको इसने कभी नहीं बोला? आपको बोला ही नहीं? ये शॉक मी एक्चुअली, यू नो. ये हमने सोचा इसको बैंक में कहीं पे नौकरी करा देंगे. इट्स अ ट्रू स्टोरी. आई वेंट एंड गिव अ मैंने इंटरव्यू दिया था सिटी बैंक में. हमने कहा ये करेगा क्या यार, इसको पढ़ा तो दिया हमने, पता नहीं क्या करेगा. तो इसकी मम्मी बोलती है कि आई टॉक ऑल्सो, यू नो सो मेनी पीपल, इसको कुछ नौकरी करनी तो नौकरी करा देंगे, कुछ नहीं है. पर ऑल ऑफ अ सडन देन ही स्टार्टेड असिस्टिंग. तो ये करण जोहर को इसने असिस्ट किया, वो भी मुझे नहीं मालूम. ही वेंट अपने आप ही कह किया कुछ, अभी तक नहीं समझ आ रहा मुझे. तो आप समझे ना, तो ये वहाँ से आया हुआ. और एक दिन मुझे जहाँ तक मालूम है कि करण घर आया. नहीं, उसके पहले आई एक्चुअली ऑडिशन फॉर धोबी घाट, which he got very yeah he went to audition for Dhobi Ghat. वो किरण की पिक्चर थी जो. तो he asked me and I said you're mad or what, you're going to do Dhobi Ghat or what? I told him, I told his mother he's gone mad, he wants to work films too properly and this type की films से shoot. No, initially my leaning was always towards the left side. I had loved Black Friday, I'd loved all of Sri Ram's films. Though Sri Ram is giving too many hits now, so we don't know whether he's left or right, where is he? But I was always into more. I was leaning over there. You know, I would have probably given my right hand at that time to get launched by Anurag Kashyap, maybe. Honestly, so no. I was very excited to work over there, and but obviously no one was taking me seriously at that time.
And I auditioned for Dhobi Ghat. I didn't get the part, obviously. And then I think Amir sir or Kiran came and told you at a party. He told mummy. But then, you know, Karan came one day and he says, I'm taking you for my film. And he's playing the hero, one of the heroes. So I said, isse achha kya break hoga. And he never told me, Dad, come on, you make a film for me. Nothing, never. और वो पिक्चर फिर वो आया अगेन आया और फिर बोला मुझे करण आफ्टर सम टाइम कि मैं डायरेक्ट करूँ. मैंने कहा बस बढ़िया है यार, अब तेरे को क्या चाहिए भाई, कंधे पे पैर रख और कूद जा.